पर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, मंत्रीगण नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। सीएम ने मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा सौंपा है। यूपी के बाहर जाने पर भी सूचना देनी होगी, ये भी कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीएम ने मंत्रियों से यहाँ पर फिजूल खर्ची रोकने के लिए कहा है। विभागीय भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाए मंत्री, ये बात का भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो बड़ी खबर के 100 दिन का एजेंडा मंत्रियों को सौंपा गया है। यूपी के बाहर जाने पर भी यहाँ पर सूचना देनी होगी। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। वीरेंद्र जी, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे जब से सत्ता की कुर्सी संभाली है। मंत्रियों को हिदायत है कि फिजूल खर्चा ना करें, विभागीय भ्रष्टाचार पर भी अंकुश हो। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा सौंप दिया है कि वो अपने विभाग में 100 दिन में ऐसा काम करके दिखाएं कि जिससे कि प्रदेश की जनता को क्या राहत मिली है, और इसका बाकायदा प्रेजेंटेशन भी वो देखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी मंत्री नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मितव्यता बरतनी है, फिजूल खर्ची रोकनी है, भ्रष्टाचार जो विभाग में निचले स्तर पर कहीं होता है तो मंत्री उस पर अंकुश लगाएं और कठोर कार्रवाई करें। तो कुल मिलाकर यह है कि योगी सरकार सख्त हो गई है और उसने अपने मंत्रियों के साथ साथ कर्मचारियों को भी ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होगा। जो गाड़ियां हैं मंत्रियों को उन्हीं गाड़ियों से काम चलाना पड़ेगा, कोई नई गाड़ी खरीद करने की अनुमति सरकार नहीं देगी। जी जी, बहुत बड़ा कदम है देखिए वीरेंद्र सिंह जी। और ऐसे में अब वो मंत्री जो देखिए यूपी से बाहर जाएंगे उनको भी पूरा ब्यौरा देना होगा, यानी कि बाहर जाने पर सब कुछ लिखित में बताना होगा। बिल्कुल, जो मंत्री अपने दौरे लगाएंगे उसकी जानकारी उनको सीएम कार्यालय को देनी होगी। उत्तर प्रदेश के बाहर वो जाते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय को आवश्यक रूप से इसकी जानकारी सभी मंत्रियों के लिए कहा गया है कि उन्हें देना होगा, चाहे वो दिल्ली जाए या किसी दूसरे राज्य की बैठक में जाए या पर्यटन करने जाए या दर्शन करने। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का जोर है और मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 100 दिन में हम हर विभाग से चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जो उपलब्धि बने और जो जनता के बीच जिसकी चर्चा हो और लगे कि सरकार जनता के द्वार पर आकर खड़ी हो गई है। तो भ्रष्टाचार पर, फिजूल खर्ची पर, यात्राओं पर मुख्यमंत्री ने रोक लगाई है, नए वाहनों की खरीद पर मुख्यमंत्री ने रोक लगाई है और मंत्रियों से कहा है कि वो अनुकरणीय उदाहरण बने अपने विभाग में, जिससे कि लोग याद करें कि बीजेपी की सरकार जो कहती है वो कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उस विजन के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता को अधिकतम लाभ दिलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्योंकि देखिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस कदम के बाद ऐसा लग रहा है कि सब पर यानी कि मंत्रियों पर भी नजर बनाकर बैठे रहे कि कौन क्या कुछ कर रहा है, कहां जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब और सख्त, मंत्रियों पर भी रहेगी सीएम की पैनी नजर। बलिया से खबर है अगली, जहां पर यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर निरस्त।